अब कहानी कुछ ऐसी है कि महीनों बाद मैं अपना रूम साफ कर रहा था और करते करते मुझे ये पुराने एक्रेलिक कलर्स मिल गए, जो पुराने तो है ही बट पूरे सूख चुके हैं। तो अब ये देख के मुझे एक्रेलिक करने का मन कर गया। तो अब मैं सोच रहा था कि भैया बहुत टाइम से कुछ आर्ट मटेरियल परचेज नहीं किया है, और भैया इस दिवाली अब मैंने कुछ नया लिया भी नहीं, तो क्यों ना एक बेहतरीन सा आर्ट मटेरियल परचेज कर ले। आ गया लगता है। तो आ गए हमारे पास एक्रेलिक कलर्स, नहीं ऐसे नहीं, तो हमने मंगवाया है अपने लिए कैमल का आर्टिस्ट HD एक्रेलिक। अनबॉक्स करते हैं। सो दिस इज आवर कैमल का आर्टिस्ट HD एक्रेलिक। पीछे देखोगे तो MRP बाकी डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं। पैकेट बड़ा मस्त है, आगे में कलर कोड एंड कलर नेम देखने को मिल जाता है। यहाँ ऊपर में एक होल है जिसके कारण आप इसको हैंग करके रख सकते हो। मैंने बहुत सारे शेड्स मंगाए हैं, दिस इज द ब्लैक वन, और मुझे ये कैडिमम येलो भी बहुत पसंद है, ये बहुत ब्राइट है। इसका पीछे में MRP देखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसी तरह से हर एक शेड्स का एंड हर एक ट्यूब का जो प्राइस है वो वैरी करता है। सो दिस इज आवर ब्रशेस विच वी हैव गॉट। पैकेट से निकालते हैं फिर अच्छे से दिखाते हैं। सो दिस इज कैमल आर्टिस्ट ब्रशेस, जो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है। अगर पीछे देखोगे तो सारे डिटेल जैसे साइज MRP वगैरह लिखा हुआ है, अगर देखना है तो पॉज करके देख लेना। बाकी ये जो ब्रशेस है ये लॉन्ग स्टिक वाले ब्रशेस, जिससे आपको एक्रेलिक एंड जो आपका ऑयल है ये सब करने में बहुत हेल्प होगा। प्लस जो इसका हेयर है ना वो भी काफ़ी सॉफ्टर साइड में, और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में तो ब्रश है ही। मस्त कलर्स है ना। तो अब ये कलर्स HD एक्रेलिक है या नॉर्मल एक्रेलिक जैसे ही काम करते हैं, कुछ खास है या नहीं इसमें वो तो वीडियो के आगे चल के हम लोग देखने ही वाले हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो, शक्ल हो, पहली बार देख रहे हो, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और भैया आजकल ना AI थोड़ा ज्यादा ट्रेंड पे चला हुआ है, कि मतलब आपको जो भी चाहिए आप जस्ट टाइप करो और वो जनरेट कर देता है। फोटोशॉप पे मैंने ये ऑलरेडी ट्राई कर रखा जो बहुत अच्छा करता है, बट ऐसे बहुत से वेबसाइट है ना जहाँ पर आप मतलब टाइप करो आपका जो भी थिंकिंग है एंड वो बहुत हद तक सिमिलर वो चीज़ को जनरेट कर देता है। तो बीइंग एन आर्टिस्ट मेरा जो सोच है ना वो थोड़ा सा क्रिएटिव लेवल पे है, ठीक है। तो अब उस चीज़ को AI जनरेट कर पाता है कि नहीं, थोड़ा सा वेबसाइट सर्च करते हैं और निकालते हैं अपने रेफरेंस को। तो भैया मेरे को ना लगभग 10-12 वेबसाइट सर्च किए हो गए हैं। मेरा जो आइडिया है उसको मैं डाल रहा हूँ जनरेट करने के लिए, बट उतना क्रिएटिव वे में जनरेट नहीं हो पा रहा है। कर रहा है जनरेट, बट वो लग रहा है कि वो जनरेटिव है, मतलब 2-3 चीज़ को जोड़ के बना दिया गया है, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है देखने को। तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ रेफरेंस लेते हैं, उसमें कुछ अपना ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल करके लेट्स क्रिएट समथिंग मोर क्रिएटिव देन AI। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट कलर को कैनवास पे अप्लाई करेंगे। द कलर स्टार्टिंग में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो येलो, ब्राउन एंड ब्लैक होने वाला है। तो बीच में हमने लक्ष्मी माँ का ड्राइंग बनाने का कोशिश किया है, सो दैट वो बीच से ऐसे एक रेस टाइप आता है ना, उस टाइप का है, इसलिए हम बीच में थोड़ा ब्राइट रखेंगे और साइड एंड में हम डार्क शेड्स का देंगे। ब्लेंड करने के लिए आप आराम से अपने फिंगर्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर ब्रश से कंफर्टेबल हो तो उससे यूज़ कर सकते हो। ध्यान रखना टेबल ऐसे गंदा होता है, इसलिए नीचे न्यूज़पेपर या कुछ रख सकते हो। थोड़ा सा येलो विद सम टाइटेनियम वाइट, और हम अच्छे से ब्रश को पानी में डिप करके कलर को अच्छे से क्लीन करके, और फिर अब अप्लाई करने वाले हैं दोनों कलर को मिक्स करके थोड़ा सा और ब्राइटर शेड सेंटर में, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लो चाहिए हमें, और HD एक्रेलिक्स है तो ग्लो अच्छे से करेगा। अब टिप नंबर वन, एक्रेलिक जो होता है ना वो एक ओपेक मीडियम होता है, जिससे कि आपका आउटलाइन जो है ना वो बहुत आराम से छिप सकता है। तो आप ध्यान में रख के चलना कि जब भी आपका आउटलाइन अगर आप हाइड कर दो तो आप कैसे फिगर आउट करके अपने ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हो।
टिप नंबर टू, कोशिश करो कि जब भी आप एक्रेलिक, वाटर कलर या फिर कोई भी मीडियम पे यूज़ करते हो ना, तो एक के साथ दो तीन कलर और मिक्स करके यूज़ किया करो। उससे तो आपका कलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा बन जाता है और आपका जो कलर होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगता है देखने को। बट बात मानो चाहे नहीं मानो, AI इज़ अ थिंग ना भाई, जो आपके काम को इतना आसान बना सकता है, चाहे वो आपके वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना हो या फिर आपके ड्राइंग का रेफरेंस खोजना हो। मतलब मेरे लिए तो काम बहुत आसान हो जाता है एज एन आर्टिस्ट। मतलब जो भी मैं सोचता हूँ ना, उसको बहुत हद तक इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आप आर्टिस्ट हो ही, आप उस चीज़ के ऊपर अपना क्रिएटिव लगा के आप उस चीज़ को बहुत अच्छा और क्रिएटिव वे में प्रोड्यूस कर सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप इस आर्टवर्क का भी रेफरेंस लोगे, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मैं जस्ट मैंने AI को समझाया और मेरे को काफ़ी और डिफरेंट आइडियाज़ मिल गए, जिससे मैंने उस आर्टवर्क को एक डिफरेंट लेवल तक ले जा पाया। मतलब मेरे को कुछ चाहिए, बट वो जो थॉट्स जो AI जनरेट कर रहा था ना, उससे मेरा भी जो थॉट्स है ना, वो और आगे जा रहा था और फिर मैं उससे और आगे सोच पा रहा था। तो दिस इज़ द थिंग जो आप अपने रेफरेंस सर्च में या फिर अपना ड्रॉइंग को और खूबसूरत बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्रेलिक कलर्स में और एक बेनिफिट होता है ना, कि इसमें आप लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट आप कैसे भी जा सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि आप अपने ड्राइंग में गलतियाँ सुधार सकते हो। तो अब हम यहाँ पर रेड को थोड़ा सा सैप ग्रीन के साथ मिक्स करेंगे विथ सम बर्न्स है ना, और हम इससे थोड़े से साड़ी के ऊपर डिटेल काम करेंगे हमारी लक्ष्मी माँ के ऊपर। एज एन बिगिनर आप लोगों को स्टार्टिंग में कलर कॉम्बिनेशन बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, किस कलर के साथ कौन सा कलर जाएगा। बट जैसे जैसे आप एक मैच्योर आर्टिस्ट बन जाओगे ना, यू विल फिगर आउट कि किस कलर के साथ कौन सा कलर ब्लेंड करोगे तो कैसा शेड निकलेगा और आपके ड्राइंग में कौन सा कलर स्कीम जाएगा। अब ना हम एक थिक ब्रश के जगह पे एक माइनर पतले ब्रश का यूज़ करने वाले हैं, जो भी ज्वेलरी या फिर साड़ी या फिर हेयर के जो डिटेल्स है ना, उसको निकालने के लिए। अभी ना मैं ये कलर्स देख रहा था और मेरे को एक बात ध्यान आया कि मेरा जो फेस पैक का जो पैकेट है ना, वो भाई इससे छोटा है। मतलब ये 60 ml का, और इससे पहले ना मैंने अपने जीवन में कभी इतना बड़ा कलर्स यूज़ नहीं किया, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। अब बताता हूँ वीडियो के एंड में आप लोगों को। और अब धीरे धीरे पतले ब्रश का डिटेलिंग करते करते हमारी जो लक्ष्मी माँ है ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हाईलाइट्स के लिए मैं वाइट्स कलर का यूज़ कर रहा हूँ और डार्कर शेड्स के लिए हमारे बर्न सेना के साथ में ब्लैक का यूज़ कर रहा हूँ। और ये कलर यूज़ करते करते ना, आई फील दैट इनका जो क्वालिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थिक है। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे एक्रेलिक कलर पोस्टर का यूज़ किए जो काफ़ी ऐसे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, बट दीज आर द कलर्स ना जो ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐसे थिक है, जिसमें वो जो कलर का जो पिगमेंट है ना, दैट इज़ वेरी गुड, जिससे आप अपना लिक्विड मिला के आप अपने हिसाब से कलर को डायल्यूट कर सकते हो फॉर योर ब्लेंडिंग पर्पज़। सो दैट इज़ द थिंग जो इस कलर में मेरे को एक और एडवांटेज देखने को मिला। अब ड्राइंग में कुछ एलिमेंट यूज़ करने के लिए मैंने लक्ष्मी माँ के पीछे से एक ब्राइट रेज दिखाने की कोशिश की, जो कि एक स्ट्रीट लाइट से आएगा, जिसके लिए मैंने ब्राइट कैडमियम येलो के साथ टाइटेनियम वाइट का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर ड्रॉ करने वाला हूँ, जिससे कि हमारा ड्राइंग को एक अलग फील मिल जाने वाला है। और ये ड्राइंग भाई मेरे को बहुत पसंद आया, बनाने में 6 से 7 घंटा लग गया। तो मैं कैमरा के इतना पास आ गया इसीलिए बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो हमारा फाइनल आउटकम है, जो लक्ष्मी माँ का ड्राइंग है, वो हो चुका है कंप्लीट। उसको दिखाने के लिए लगेगा एक सिनेमैटिक सीक्वेंस, जिसके लिए बनाना पड़ेगा म्यूजिक जो ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो अब लेट्स वॉच द फाइनल आउटकम इन 3, 2, 1। तो कलर्स के फीडबैक के बारे में बात कर रहे थे कि ये सच में HD है या फिर इस पर ब्लेंडिंग कैसे होती है, अगर ब्राइटनेस कैसा है। 100 बात के एक बात, अगर आप एक्रेलिक कलर्स देख रहे हो तो आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखो, ये कलर्स नो डाउट HD है, मतलब कह लो कि ब्राइटर साइड पे मैंने और भी एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, बट ये मुझे थोड़े से ब्राइटर साइड पे लगे, तो दैट इज़ एन एडवांटेज ऑफ दिस कलर्स। उसके बाद ये कलर्स ना जल्दी सूखते नहीं है, मैंने पहले भी एक्रेलिक यूज़ किया और पर्सनली मुझे एक्रेलिक के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि एक्रेलिक सूखते बहुत जल्दी है, और ये जो कलर है ना, ये थोड़ा लेट से सूखता है। मतलब अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो, अगर रियलिस्टिक काम करना है, कलर्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करना है, तो दीज आर द कलर्स जिसके साथ आप ये सब चीज़ आराम से कर सकते हो। तो अगर आप ये सब चीज़ में इंटरेस्ट हो कि आपको अपना ड्राइंग ब्राइट चाहिए, आपको ब्लेंडिंग अच्छे से चाहिए, थोड़ा लेट से आपका जो ड्राइंग है वो ड्राई हो ताकि आप और उसमें खेल सको, देन दीज आर द कलर्स फॉर यू। अगर परचेज करना है, इंटरेस्टेड हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। आप लोगों को होप ये वीडियो एंड ड्राइंग पसंद आया होगा, और इसी तरह से अगर वीडियो देखना है तो ये वीडियो चेक कर सकते हो, और आर्ट मटेरियल में इंटरेस्टेड हो तो ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो से, टिल देन बाय।